नमस्कार, मैं ममता नेगी, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया, देश विदेश की 20 बड़ी खबरें। पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से निर्भया के दोषियों का नया डेथ वारंट जारी, 3 मार्च सुबह 6 बजे होगी दोषियों को फांसी। पाकिस्तान को चोरी छिपे मिसाइल लॉन्च का सामान भेज रहा था चीन, भारतीय कस्टम अधिकारियों ने कांडला पोर्ट पर पकड़ा संदिग्ध जहाज। जामिया का एक और वीडियो आया सामने, हाथ में पत्थर और नकाब लगाए लाइब्रेरी में दिखे प्रदर्शनकारी। कोरोना वायरस पर भारत की जबरदस्त सफलता, केरल में सभी 3 मरीज हुए ठीक, जबकि चीन में मरने वालों का आंकड़ा 1800 के करीब। योगी सरकार का एक्शन, सीएए प्रदर्शन के दौरान धारा 144 तोड़ने पर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी को भेजा 1,04,000 का नोटिस। उत्तराखंड में मौसम फिर बदलेगा करवट, 19-20 फरवरी को मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी के आसार। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने दिया तलाक पर बयान तो भड़क गई सोनम कपूर, बोली मूर्खतापूर्ण। मोहन भागवत ने रविवार को कहा था कि इन दिनों तलाक के अधिक मामले शिक्षित और संपन्न परिवारों में सामने आ रहे हैं, क्योंकि शिक्षा और संपन्नता अहंकार पैदा कर रही है जिससे परिवार टूट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केंद्र सरकार को फटकार, कहा सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाए। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 14 साल बाद भाजपा में शामिल, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में झारखंड विकास मोर्चा झाविमो का भाजपा में विलय। ग्रीन सिटी चंडीगढ़ की हरियाली को खतरा, 50% पेड़ों की उम्र हुई पूरी, चल रहा है गहन मंथन। एयरफोर्स को मिलेंगे 83 लड़ाकू तेजस विमान, एचएएल के साथ हुई 39,000 करोड़ में डील। नागरिकता संशोधन कानून पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा जितना भी दबाव पड़े हम कायम हैं और रहेंगे। बिग बॉस से बाहर आकर भी नहीं बदले पारस छाबड़ा के तेवर, कहा टॉप 2 में आके आसिम ने क्या कर लिया, शो में मुझे और सिद्धार्थ को मिले पैसे, बाकी सब ठन ठन गोपाल। यूएन चीफ गुटेरस ने बांधे इमरान खान की तारीफों के पुल, कहा पाकिस्तान से है मेरा लव अफेयर। मुंबई के जीएसटी भवन में लगी आग, बिल्डिंग का 7वां और 8वां फ्लोर आग की चपेट में। केदारनाथ धाम में व्हाइट कर्फ्यू, आधा मंदिर बर्फ से ढका। ओयो का घाटा और बड़ा, वित्त वर्ष 2018-19 में हुआ 2,390 करोड़ रुपए का नुकसान। भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस का असर, मूडीज ने विकास दर घटाकर 5.4% किया। आईसीसी की टी20 रैंकिंग में विराट को हुआ नुकसान, टी20 रैंकिंग में बल्लेबाजों में बाबर आजम टॉप पर तो गेंदबाजों में राशिद खान नंबर 1 पर हैं, भारत के केएल राहुल दूसरे स्थान पर बरकरार। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली एक पायदान नीचे खिसक कर 10वें स्थान पर पहुंचे। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट reportsindia.in पर विजिट कर सकते हैं, साथ ही रिपोर्ट्स इंडिया को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं।